हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, द सिविल टाइम के प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आपको स्वागत है। दोस्तों, अब तक बायोडायवर्सिटी की दो वीडियो आपको दिए जा चुके हैं, ये उसी सीरीज की तीसरी वीडियो है और आगे का जो मतलब सब्जेक्ट है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, हमने शुरू किया था आपको बायोडायवर्सिटी चल रहा था। बायोडायवर्सिटी में हमने फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन ये हमने शुरू किया था। ये जो दिया गया था अभी टेकर के थ्रू दिया गया है ना, अभी टेकर इनके बारे में आइडिया दिया था, फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, इसमें जो पहला किंगडम है, जैसे फाइव किंगडम में पहला किंगडम कौन सा है, पहला है आपका मोनेरा के बारे में मैंने आपसे बात किया था। दूसरा आपका हो जाता है प्रोटिस्टा। तीसरा आपका हो जाता है फंजाई। और चौथा हो जाता है आपका प्लांटी। और पांचवा हो जाता है आपका एनिमिलिया। तो दोस्तों देखिए, हमारी कोशिश है कि पहले आपको थोड़ा सा आपको बता दिया जाए। तो देखिए, मोनेरा ये धरती पे आने वाले पहले जीव है, मतलब फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ द अर्थ, मतलब ये धरती पे आने वाले पहला जीव है। और धरती पे अगर जीवन की शुरुआत हुई है तो इन्हीं के मोनेरा के द्वारा ही हुआ है, समझ गए। इसे आगे हम और डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा देखिए प्रोटिस्टा। देखिए मोनेरा जब अगर बोलते हैं ना कि एक ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन के बाद जब एडवांस हुआ तो क्या बना, ये प्रोटिस्टा बना। तो देखिए, ये मोनेरा क्या था आपका, ये प्रोकैरियोट्स था। प्रोकैरियोट्स मतलब फुल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये क्या हो गया, ये यूकैरियोट्स हो गए। यूकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, समझ गए। और इसके बाद होता है फंजाई। इससे थोड़ा एडवांस हो गया, मतलब तो फंजाई का फीचर क्या था कि ये मल्टी सेलुलर एंड हायर ग्रीन। ये क्या हो गया, मल्टी सेलुलर एंड हायर ग्रीन, समझ गए, ये हो गया। उसके बाद प्लांटी, मतलब तो इसमें जितने भी प्लांट जितने भी हैं सारे जो मल्टी सेलुलर जो प्लांट्स हैं सारे से पढ़ेंगे हम लोग, जितने भी है ना, ऑल प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इनके लिए। और ये एनिमिलिया, ये आपका हो गया, जैसे ये एनिमल किंगडम के बारे में, जैसे जितने भी हाइयर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे से पढ़ लेंगे एनिमिलिया में। जैसे एनिमिलिया दुनिया का सबसे बड़ी ग्रुप एनिमिलिया ही है, समझ गए। जैसे इसमें जो भी जैसे इवोल्यूशन है, जैसे पीसेस से ले करके और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबके बारे में एक हम कैटेगरी वाइज स्टडी करेंगे। तो देखिए, पहले हम बात करेंगे मोनेरा का। तो देखिए, मोनेरा की भी हम बहुत सारे बात कर चुके हैं, जैसे मोनेरा धरती पे आने वाली पहली ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। और ये प्रोकैरियोट्स है, मतलब इसका जो कोशिका वेल डिफाइंड नहीं है, समझ गए। और इनमें जो दो तीन जो महत्वपूर्ण जो ऑर्गेनिज्म हैं, जिससे मान लीजिए इसमें हम पढ़ेंगे आपका बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया के बारे में आप लोग पहले से भी सुने होंगे कि बड़ा खतरनाक है। तो देखिए, ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया सिर्फ खतरनाक ही है, मतलब कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए वैल्यूएबल भी है, मतलब कुछ बैक्टीरिया का हमारे इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूशन भी है, समझ गए। जैसे कुछ बैक्टीरिया, जैसे मान लीजिए आपका 90% जो बैक्टीरिया है, 90% देखिए इसमें हमको पढ़ना है कौन कौन से, जैसे एक पढ़ना है हमको बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया को थोड़ा सा पढ़ना है, एक मिनट। इसे बैक्टीरिया के बाद में पढ़ना है, बैक्टीरिया। तो
देखिए बैक्टीरिया जो 90% जो बैक्टीरिया है वो हम हार्मफुल है, हार्मफुल है। ओनली 10% जो बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल, मतलब इनका हमारे लिए बेनिफिशियल है, बेनिफिशियल। इससे मान लीजिए जैसे कर्ड बनता है, पनीर बनता है, कुछ मेडिसिन दवा बनता है, तो ये आ गया पनीर चीज़ जैसे समझना 10%। बाकी जो 90% जो बैक्टीरिया है हमारे लिए खतरनाक है, जो बहुत सारे बीमारी जो कॉज करते हैं, समझ गए। तो जैसे मान लीजिए इन बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे तो पहले क्या हो गया आपका जो 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 मतलब जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हो गया आपका, जैसे हो गया आपका ट्यूबरकुलोसिस, है ना, ट्यूबरकुलोसिस। जैसे ये किनसे होता है, जैसे माइक्रो बैक्टीरियम से हो जाता है, फिर आपका हो जाता है फूड पॉइजनिंग हो गया आपका, है ना। तो देखिए कुछ बैक्टीरिया का नाम हम बताएंगे, थोड़ा सा ध्यान से लिख लीजिएगा, जो आपके जैसे आपके जो डेली लाइफ को प्रभावित करते हैं, तो ठीक है देख लीजिए। जैसे देखिए जैसे बैक्टीरिया में लिख लीजिए टाइफाइड फीवर, टाइफाइड जैसे फीवर, ये भी बैक्टीरिया से होता है टाइफाइड। दूसरा हो गया आपका कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, कोलेरा हो गया, फिर फूड पॉइजनिंग हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया, फिर आपका हो गया एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स हो गया आपका, फिर टेटनस हो गया, है ना, टेटनस। मतलब ये सब जो खतरनाक बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया से होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी बोलते हैं, जिसे टीबी बोलते हैं ना, टीबी वो देखने वाला नहीं है, वो जो खांसी। फिर टाइफाइड जिसका मान लीजिए मतलब ये भी बड़ा खतरनाक है, जिसे बोलते हैं जिसे ब्लैक फीवर बोलते हैं, या हल्दी का जो बुखार बोलते हैं। कोलेरा मतलब इससे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होता है, लूज मोशन होते हैं। और ये जो जैसे फूड पॉइजनिंग में भी, इसमें भी क्या होता है ना कि हमारे भोजन खराब हो जाते हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा जैसे मान लीजिए आपके खाद्य पदार्थ बर्बाद हो गया, इससे भी आपके जो जिससे वोमिटिंग हो जाएगा और अल्सर वल्सर होने के चांसेस होते हैं, समझ गए। एंथ्रेक्स ये मेनली स्किन का बीमारी, हमारी चमड़ों को प्रभावित करता है। और देखिए टेटनस, ये लॉजो की मतलब छोटे बच्चों में बड़ा कॉमन है, है ना। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि इतने सारे बैक्टीरिया से होने वाले बीमारियाँ हैं, समझ गए। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल है, जैसे मतलब लैक्टोबैसिलस मतलब ये हमारे जो कर्ड बनाते हैं बिल्कुल, हमारे जो दही बनाने के लिए। कुछ बैक्टीरिया जिसे फार्मर के फ्रेंड बोले जाते हैं, जैसे देख लीजिए जैसे हमारे लिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वाले बैक्टीरिया, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे देख लीजिए कुछ जो बैक्टीरिया है हमारे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिए, जैसे मान लीजिए आपका हो जाता है एक तो लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये क्या करता है कि हमारे जो कर्ड बनाने में जैसे होते हैं ना कि कर्ड पनीर, है ना, और ये जो और जो स्पंज ये सब बनाने में कुछ होते हैं, जैसे मतलब जो हमारे जिसे किसान भाइयों के लिए बेनिफिशियल होते हैं, जैसे हो गया नाइट्रो, नाइट्रोफिक्सिंग फिक्सिंग बैक्टीरिया हो गए, ऐसे होता है ना, जैसे नाइट्रोफिक्सिंग बैक्टीरिया में हो गया आपका, जैसे एजोटोबैक्टर हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया आपका। उसके बाद क्या हो जाता है जैसे एनाबेना, एनाबेना, फिर नोस्टोक हो गया, नोस्टोक, फिर एक जो सबसे महत्वपूर्ण है राइजोबियम, है ना, राइजोबियम हो गया। ये मेनली जो लेगुमिनस या दलहन पौधे होते हैं इसमें होता है। देखिए ये जो ये एनाबेना, नोस्टोक, अब एजोटोबैक्टर, एजोला, ये सारा धान के पौधों में सब होने वाले हैं। तो देखिए ये जो जिससे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ये एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, और जो किसान को है ना, किसान के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। देखिए इससे क्या होता है कि हमारे जो
जमीन है, हमारे जो लैंड है, इनके जो फर्टिलिटी रिन्यू होती है और जो एक्स्ट्रा हम जो जैसे बोलते हैं ना इनऑर्गेनिक जो हम खाद को डालते हैं, तो ये हमारे जो इको सिस्टम के लिए खतरनाक है ना, तो इससे बचाव भी होता है। तो ये 10% जो इकोनॉमिक बेनिफिशियल बैक्टीरिया उसमें से हो गया आपका लैक्टोबैसिलस है ना, कुछ हो गया आपको जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इससे क्या हो गया था जो भी हम नोस्टोक एनाबेना एजोटोबैक्टर, ये सब हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, समझ गए दोस्तों। इसके बाद हम थोड़े से जो वायरस के बारे में, क्योंकि देखिए जैसे मोनेरा जब हम बोले थे तो पहले ही मैंने बोला था कि तीन जीव के बारे में पढ़ेंगे, जैसे बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया के बाद में फिर वायरस के बारे में, फिर वायरस के बाद माइकोप्लाज्मा के बारे में, समझ गए। तो देखिए ये आपका हो गया, अब वायरस पे आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वायरस को सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, वायरस को बोलते हैं हमने कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब ये जीवित एवं अजीवित जीवों के बीच की एक कड़ी है, समझ गए। मतलब अगर जो वायरस बाहर अगर पड़ा हुआ है हमारे सराउंडिंग में, हमारे पर्यावरण में, तो ये निर्जीव है, नॉन लिविंग है, लेकिन जैसे ही अगर इसके एक फेवरेबल होस्ट मिल गया तो क्या हो जाएंगे, ये लिविंग हो जाएंगे और ये अपने जो नंबर को बहुत तेजी से रेप्लिकेट करेंगे। क्योंकि देखिए ये क्या करते हैं कि किसी भी अगर जीव के कॉन्टेक्ट में जाएंगे तो उस जीव के जेनेटिक मटेरियल को अपने लिए यूज करेंगे, उनके कोशिका में जो भी मटेरियल्स हैं उनको अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, समझ गए, और अपने नंबर्स को बहुत तेजी से फैलाते हैं, समझ गए। और इसीलिए इसे मारना बड़ा या इसके अगेंस्ट दवा बनाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर कोई भी मेडिसिन अगर इसके लिए हम यूज करेंगे तो ये मेडिसिन क्या करेगा, अगर इसको इस पर इम्पेक्ट करेगा तो मर जाएगा, ये शांत हो जाएगा, लेकिन जब अगर इनके फेवर का उस दवा का इम्पेक्ट तो कभी कभी कम होगा तो फिर ये उठ खड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए कोशिश किया जाता है कि इस इन बीमारियों के लिए हमारे शरीर इम्यूनाइज हो जाए, उनके अगेंस्ट में इम्यून सिस्टम डेवलप करे, ताकि उस वायरस के थ्रू जो निकाले गए जो केमिकल्स हैं, जो बोलते हैं क्या, जिससे एक होता है ना एंटीबॉडी एंटीजन, तो एंटीबॉडी उसको तो काउंटर करती है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एंटीजन निकालते हैं, यही एंटीजन हमारे लिए खतरनाक होते हैं, तो इन्हीं को काउंटर करने के लिए हमारे जो एंटीबॉडी काम करती है, उस जो केमिकल्स को या उस जो सब्सटेंस को काउंटर करने के लिए हमारे शरीर एंटीबॉडी बनाती है, समझ गए। तो इसीलिए वायरस से रिलेटेड बीमारियों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। इसका मैक्सिमम जो डॉक्टरों का या जो रिसर्च में ये कहा गया है कि ये जो इस बीमारी के लिए आप अपने इम्यून सिस्टम को इतना तैयार करिए कि उनसे जो डेवलप किए गए जो सिस्टम है उनके जो मतलब जो हमारे शरीर के साथ जो गेम करते हैं, वो हमारे जो बोलते हैं ना जो सिप्टम जो डेवलप करते हैं, उस सिप्टम के अगेंस्ट में कुछ दिन तक खड़े हो जाए, मतलब 10-12-15 दिन के बाद क्या होता है कि हमारे शरीर उनके द्वारा एक्सक्रिएट किए गए केमिकल के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना लेती है और उस बीमारी से हमें एकाएक छुटकारा मिल जाता है। हाँ, जिसे अब ऐसा किया जाने लगा है कि इनके लिए आर्टिफिशियल मोड का भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे मान लीजिए वैक्सीनेशन, तो वैक्सीन एक्चुअली होता क्या है, वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीन बनाते हैं तो एक्चुअली जिस चीज से वायरस बने होते हैं उन्हीं वायरसों को या उसी प्रकार का सब्सटेंसों को हमारे शरीर में डाला जाता है। अब क्या होता है कि जब वो वायरस को कमजोर करके या उस प्रकार के केमिकल को डाला जाता है तो उनके अगेंस्ट में हमारे शरीर एंटीबॉडी बनाती है और ये प्रक्रिया कई एक चरणों में होते हैं। सुने होंगे पोलियो लगातार 5 साल तक बच्चों का है ना हर वीक उनको पिलाया जाता था, ताकि जब वो डोज मिलता था तो उसके अगेंस्ट में बच्चे का बॉडी एंटीबॉडी बनाता था और ये कदम कई एक साल तक चलने के बाद जिससे बच्चे का शरीर इतना प्रिपेयर हो जाता था कि अब रियली में अगर ओरिजिनल अगर वायरस भी आए तो उसके कोई नुकसान ना हो। सेम प्रोसेस और जितने भी जैसे मान लीजिए कोविड वैक्सीन का ले लीजिए, कोविड भी क्या था, इसके 2-3 जो सेगमेंट में 2-3 टर्म में दिया गया, इससे पहले थोड़ा कमजोर करके मतलब पूरी कमजोर करके डाला गया, उससे शरीर हमारा प्रिपेयर हो गया तो थोड़ा और एडवांस को डाला गया, उसके अगेंस्ट में अगर हमारा बॉडी तैयार हो गया तो थोड़ा एडवांस और वायरस को डाला गया और वैक्सीन को डाला गया, और ये 2-3 चरण में करने के बाद हमारा शरीर इतना इम्यूनाइज हो जाता है कि अब उसके किसी भी प्रकार का वेरिएंट आए हमारे शरीर उसके अगेंस्ट में अपने आप को इम्यूनाइज कर चुका है, अब उससे फाइट करना बड़ा आसान हो जाता है, समझ गए दोस्तों।
तो आज ये वायरस के बारे में मैंने एक छोटा सा आपको व्यू दे दिया है। अगले वीडियो में हम वायरस से संबंधित जो भी बीमारियां हैं इसे मैं बता दूंगा। उसके बाद ये जो मोनेरा का जो अंतिम जो ऑर्गेनिज्म है या जो ग्रुप है माइकोप्लाज्मा का, इनके बारे में थोड़ा सा हम आपको और डिटेल से मैं बता दूंगा। तो दोस्तों देखिए, आप जुड़े रहिए, जो हमारे चैनल है इनको सब्सक्राइब करिए, थोड़ा देर लाइक करिए, और मतलब आप एक मतलब ऐसा पॉजिटिव मतलब साइन हमें दिखाइए ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन लेकर आए, आपके कोर्सेज के लिए नंबर क्विकली वीडियो हम उसे डेवलप करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।